हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज ए टेक सोल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डेटा रिकवरी के बारे में। डेटा रिकवरी क्या है? अगर हमारा गलती से पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या जो हमारा पार्टीशन होता है वो डिलीट हो जाता है या फॉर्मेट हो जाता है और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं, उसको हम कैसे रिकवर करें? तो आज का जो टॉपिक है वो डेटा रिकवरी पे है। तो डेटा रिकवरी ये रहा हमारा एक सॉफ्टवेयर है, मिनी टूल पार्ट डेटा रिकवरी। इसी के थ्रू हम डेटा को रिकवर करेंगे। कैसे करेंगे, आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप वन होगा, जो कि इंटरनेट कनेक्शन और हमारा जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है उसको डिसेबल करना होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के साइड से जो इनबिल्ट होता है या जो आप इंस्टॉल करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उसको डिसेबल करना होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे डिसेबल करना है। सबसे पहले हम जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन है, अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, मतलब आप इंटरनेट नहीं चलाते हो अपने सिस्टम से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो विंडो प्लस आर ncapa.cpl करेंगे और एंटर कर देंगे। ये शॉर्टकट कमांड है जिससे डायरेक्ट नेटवर्क कनेक्शन ओपन हो जाएगा। ये हमारा इथरनेट कनेक्शन है जिस पर अभी इंटरनेट चल रहा है। आप देख सकते हो कि इंटरनेट हमारा चल रहा है, तो इसे हमें डिसेबल करना है। डिसेबल क्यों करना है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि एंटीवायरस और इंटरनेट कनेक्शन डिसेबल क्यों करते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसको डिसेबल कर देते हैं। और दूसरा जो हमारा एंटीवायरस है, अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस चला होगा तो यहाँ पर ये शो कर जाएगा, तो हमें यहाँ इसको डिसेबल करना होता है। और माइक्रोसॉफ्ट के साइड से जो इनबिल्ट जो हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है वो कहाँ पर मिलेगा, वो विंडोज़ पर जाके सेटिंग में जाके अपडेट एंड सिक्योरिटी में, ये रहा विंडोज सिक्योरिटी। और ये वायरस जो थ्रेट प्रोटेक्शन है, ये हमारा एंटीवायरस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस डला होगा तो यहाँ पे इस तरह का ही ऑप्शन आएगा, नहीं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा पावर ऑफ या पावर ऑन करने का। तो हमें यहाँ पावर ऑफ करना होगा अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस नहीं डला होगा उस केस में। तो हमारे इस केस में एंटीवायरस डला हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं यहाँ से डिसेबल करूँगा तो यहाँ पे खुद ही आ जाएगा पावर ऑन करने के लिए। यहाँ पासवर्ड मांग रहा है, जो कि मैं अपने एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है उसमें मैं पासवर्ड सेट करके रखा हूँ। अगर आपके के पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा उसमें पासवर्ड नहीं मांगेगा, वो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि कितने मिनट के लिए आपको एंटीवायरस ऑफ करना है। अगर आप पासवर्ड सेट नहीं किए होंगे तो आपको इस तरह आ जाएगा, जैसे ही आप डिसेबल करना चाहेंगे तो मैं 15 मिनट के लिए इसे ऑफ कर दे रहा हूँ। जैसे ही ऑफ करूँगा तो इस तरह का यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस नहीं डला होगा तो यहाँ पर जैसे आप सेटिंग में जाइएगा तो यहाँ पर ऐसे आएगा ऑप्शन कि टर्न ऑन करना या टर्न ऑफ करना, तो आपको यहाँ पर टर्न ऑफ कर देना है। तो ये रहा हमारा स्टेप वन। स्टेप वन में हमको ये कंप्लीट करना है कि हमारा एंटीवायरस और हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको डिसेबल करना है। इंटरनेट कनेक्शन और एंटीवायरस इसीलिए हम लोग डिसेबल करते हैं क्योंकि जो ये हमारा सॉफ्टवेयर है ये हमारा क्रैक वर्जन है, और जब हम क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं तो इसे हम एंटीवायरस को और इंटरनेट कनेक्शन को इसीलिए डिसेबल कर देते हैं क्योंकि जो हमारा क्रैक वर्जन है उसको ब्लॉक ना करे, जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो उसको ब्लॉक ना कर दे। तो अब स्टेप टू में आ जाते हैं। स्टेप टू में हमको इसको इंस्टॉल करना है, इस सॉफ्टवेयर को हमें इंस्टॉल करना है। तो इससे पहले हम इसे एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आप 1 2 3 दे दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। ये रहा मेरा सॉफ्टवेयर, इसको मैं ओपन करूँगा और जो ये हमारा सेटअप फाइल है उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और इसको रन करा देंगे। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट, इंस्टॉल। और ये हमारा सॉफ्टवेयर अब इंस्टॉल होने वाला है। ये मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, मैं इसको फिनिश कर दे रहा हूँ। फिनिश करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रायल वर्जन लिखा आ रहा है। जब तक ये ट्रायल लिखा आएगा तब तक आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, तो हमें अब इसे क्रैक करना है।
तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्रैक वर्जन ये क्रैक लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, एक 64 बिट और एक 86। तो 64 बिट और 86 मतलब क्या होता है, 86 मतलब 32 बिट होता है और 64 बिट हमारा विंडोज़ कौन सा बिट में है अभी, तो वो कैसे पता करेंगे हमारा विंडोज़ कौन से बिट में है, तो उसको माय कंप्यूटर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सिस्टम कितने बिट में है, 64 बिट में। अगर आपका सिस्टम 64 बिट में या 32 बिट में है तो आपको वही ऑप्शन लेना है। अगर आपका सिस्टम 64 बिट में है तो 64 बिट के जो अंदर फाइल है उसी को कॉपी करना है। अगर आपका विंडोज़ 32 बिट में है तो 32 बिट वाला कोई फाइल इसको लेना है, कॉपी करना है। तो मैं आपको 64 बिट में करके दिखा दे रहा हूँ, सेम 64 बिट वाला ही 32 बिट जैसा ही है। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब इसमें बहुत सारे इसका वर्जन आ रहा है, डिलेक्स के, एंटरप्राइज, स्टैंडर्ड, टेक्नीशियन, तो मैं टेक्नीशियन पर क्लिक कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे दो फाइल मिले, दोनों फाइल को मुझे कॉपी करना है और जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है उसके फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करके ओपन फाइल लोकेशन। ओपन फाइल लोकेशन आते ही यहाँ पर आ जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, रिप्लेस फाइल, कंटिन्यू। यहाँ पर दिस एक्शन कैन नॉट बी कंप्लीट बिकॉज द फोल्डर और फाइल इन इट्स ओपन इन अनदर प्रोग्राम, तो मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ पूरा ही। ये आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी कहीं ओपन हुआ है, इसीलिए ये ऐसा एरर दे रहा है। मैं सारे फोल्डर को क्लोज कर दे रहा हूँ। जो भी मेरा फोल्डर ओपन था मैं सारे फोल्डर को क्लोज कर दिया। फिर से मैं इस फाइल को एक बार कॉपी करके देखता हूँ कि कॉपी हो रहा है कि नहीं। 64 बिट टेक्नीशियन सिलेक्ट और कॉपी, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। अब इस पर सिलेक्ट करके राइट क्लिक, ओपन फाइल लोकेशन पे, फिर से हम उसी पे आ गए। अब यहाँ पे मुझे पेस्ट कर देना है, रिप्लेस फाइल इन द डेस्टिनेशन, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो हमारा फाइल जो है वो कॉपी हो गया है। वो इसलिए एरर आ रहा था क्योंकि मैंने जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर को भी ओपन कर रखा था और बहुत सारे फोल्डर ओपन कर रखे थे, इसलिए वो एरर आ रहा था। तो आपको सारा चीज़ क्लोज कर देना है, जो कि सॉफ्टवेयर ओपन होगा उसको भी क्लोज करके रखना है। अब इस सॉफ्टवेयर पे इस पर राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, रन, यस। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रायल लिखा रहा था, अब ये रजिस्टर हो गया, यानी हमारा सॉफ्टवेयर अब काम कर गया, जो मैंने क्रैक किया था वो काम कर गया। तो अब हमें क्या करना है कि मैं एक पेन ड्राइव ले रखा हूँ, इस पेन ड्राइव में बहुत सारे हमारा डेटा हुआ, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि एक फोटो है, एक और फोटो है, एक और फोटो, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास फोटो है, उसके बाद वीडियो वगैरह है। तो मैं इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मेट कर रहा हूँ, लेकिन आपसे गलती से फॉर्मेट हो गया तो उसको कैसे रिकवर करें, ये जो हमारा पेन ड्राइव है ये फॉर्मेट हो गया है। देखिए अभी पेन ड्राइव पूरा खाली है, ब्लैंक है। तो अब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, क्लोज करके फिर से सॉफ्टवेयर को यहाँ पे ओपन कीजिए आप। ये ना मेरा पेन ड्राइव, अगर आपका पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गया है या आपका जो पार्टीशन है, जो हार्ड डिस्क में जो पार्टीशन होते हैं वो फॉर्मेट हो गया, तो सेम वैसे ही करना है, सिलेक्ट करके और यहाँ पे स्कैन कर देना है। अब ये स्कैन होने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा, यहाँ पे रिमेनिंग टाइम आपको बता देगा कि कितने मिनट में ये फुल स्कैन हो जाएगा। अभी कैलकुलेट कर रहा है कि कितने मिनट लगेंगे इसको फुल स्कैन होने में।
जब तक कैलकुलेट कर रहा है मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिमेनिंग टाइम आपका 12 मिनट देखा गया। तो 12 मिनट में हमारा जो भी स्कैन है ये फुल कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो भी डेटा होगा पेन ड्राइव में वो आपका रिकवर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपका इसमें इमेज फाइल ही रिकवर होगा, आपका इसमें इमेज फाइल हुआ, एडोब फाइल हुआ, ऑफिस का फाइल हुआ, वीडियो फाइल हुआ, वो सारा के सारा रिकवर हो जाएगा। और ये जो सॉफ्टवेयर है मैंने अभी जो इंस्टॉल किया है उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर आपका हेल्प करूँगा। ये देख सकते हैं अभी हमारे पास 11% हुआ, जो मैंने आपको फोटो दिखाया था पेन ड्राइव में वो रिकवर हो गया है। ये देखिए रिकवर हो गया है हमारा पेन ड्राइव में जो भी डेटा था वो रिकवर हो गया। अगर आप ऑफिस फाइल देखना चाहते हैं तो ये देखिए ये सारा का सारा ऑफिस फाइल आपको मिल जाएगा। ये एक और ऑफिस फाइल है जो मेरे पेन ड्राइव में था, ये मेरा वीडियो है जो उस पेन ड्राइव में था। तो इस तरह डेटा को रिकवर किया जाता है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना स्टेप बाय स्टेप ही करें, अदरवाइज आप अगर गलती करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्रैक नहीं हो पाएगा। अगर आप स्टेप वन को फॉलो नहीं कीजिएगा कि एंटीवायरस और हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन उसे आप डिसेबल नहीं कीजिएगा और आप सेटअप फाइल चला दीजिएगा तो आपका जो ये सॉफ्टवेयर है वो क्रैक नहीं हो पाएगा। वो सॉफ्टवेयर एंटीवायरस अपने को ब्लॉक कर देता है उस सॉफ्टवेयर को। तो अभी रिमेनिंग टाइम 9 मिनट दिखा रहा है, तो तब तक हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारा चैनल एजे टेक सॉल्यूशन उसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो अभी हमारा रिमेनिंग टाइम 8 मिनट दिखा रहा है, कोशिश करें कि जब तक फुल स्कैन नहीं हो जाता तब तक आप इसको बीच में स्टॉप ना करें, नहीं तो हमारा डेटा रिकवर नहीं हो पाएगा, कोई फाइल करप्ट हो सकता है। इसीलिए फुल स्कैन हो जाने दीजिए, 100% हो जाने दीजिए, तभी आपका डेटा फुल रिकवर हो पाएगा। ये देख सकते हैं कि बहुत सारा हमारा डेटा को रिकवर कर लिया है। यहाँ पे ऑफिस की फाइल, MP4, ऑडियो जो ऑडियो होती है, ये हमारा वीडियो होता है, ये 3GB
वीडियो और 92% हो गए हैं और 8% है बाकी। कैसे इसको सेव करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि डेटा टू रिकवर हो गया, अब उसे सेव भी करना होगा कि आप उसे आप कैसे आप सेव करेंगे। तो वीडियो में बने रहे, 95% डन। ये आप देख सकते हैं हमारा टोटल फाइल फाउंड 3171 टोटल फाइल हमारा अभी यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, इतने हमारे फाइल हैं अभी इसमें। लोडिंग 1 2 3 पार्टीशन। तो हमारा ये जो भी डेटा था वो रिकवर हो गया। अब उसको कैसे हम फाइल को सेव करें, तो ये सारे पार्टीशन होते हैं इनमें हमारा डेटा होता है, ये आप देख सकते हैं कि इनमें हमारा डेटा होता है। तो मैं एक फाइल को ओपन कर दे रहा हूँ, ये जैसे मेरा इमेज फाइल बहुत इम्पोर्टेंट था, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करके ये जो सेव लिखा रहा है वहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा और ये पूछेगा कि आपसे इस फाइल को आपको कहाँ पर सेव करना है। तो मैं अभी यहाँ पर डेस्कटॉप पर इसको सेव करके यहाँ पर ओके कर दे रहा हूँ। ओके करते ही यहाँ पर एक फाइल ओपन हो जाएगा, फाइल बन जाएगा रॉ फाइल के नाम से, इसको मैं ओपन करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा डेटा था वो रिकवर, ये मेरा डेटा था जो मैंने आपको दिखाया था पेन ड्राइव में, ये है, ये मैंने आपको दिखाया था, ये जो भी मेरा डेटा है वो मेरा डेटा रिकवर हो गया है। तो इस तरह मैं इस सॉफ्टवेयर के मदद से अपने डेटा को रिकवर कर सकता हूँ। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कोई भी दिक्कत आता है आपको इस सॉफ्टवेयर रिलेटेड तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एज ए टेक सोल्यूशंस।